वेलकम टू जीएससी अकेडमी। मैं गणेश सर, आज मैं आपका टॉपिक रेशियो, जिसका हिंदी होता है अनुपात, इसका थ्योरी कुछ पार्ट्स, कुछ इसको कैसे कैलकुलेशन कर आसान से आसान में, एग्जाम में एक नंबर का दो अंक सीधे, एक अंक का एक स्तरीय, दो अंक का नहीं, एक अंकीय स्तरीय, कैसे एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है, इस पर चर्चा करेंगे। तो बस ध्यान से वीडियो को अंत तक देखें। इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और जो पहले से चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे तरफ से शुभकामनाएं। चलिए, आज का टॉपिक है आपका रेशियो। रेशियो का मतलब क्या था? अनुपात। अनुपात में 2a बराबर 3b बराबर 4c, देन देन मतलब हो तो ए बी सी का मान निकालना है। तो कैसे मान निकालेंगे इसको? बहुत ही आसान तरीका से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? तो जिसका भी मान निकालो उस पर हाथ रख करके जो अंक बचता है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो एक बार फिर से समझते हैं, 2a का मान निकालना है तो 4 दिए 12, तो ए का मान आपका कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। ए का मान कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। अब उसी प्रकार से चलते हैं, बी का मान निकालना है तो 4 × 8, तो बी का मान कितना हो जाएगा? 8। उसके बाद सी का मान कितना था? 3 × 6। जिसका मान निकालना है उसका मान रख देंगे, वो मान निकल जाएगा मल्टीप्लाई करके। चलिए इसको काटेंगे तो क्या होगा? 6 4 3, 2 से कटेगा 6 × 12, 4 × 8, 3 × 6, यानी कट गया। इसके बाद अगर और करते हैं, 2 से कटेगा, लेकिन ये नहीं कटेगा तो नहीं काटेगा। इसके बाद यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 6:4:3 एबीसी का मान। यहाँ पर क्वेश्चन एक और कर सकता है कि ए बी का मान बताएं, तो ए बी का मान क्या हो जाएगा? 6:4, इसको आप काट सकते हैं, तो काट देंगे तो आंसर क्या हो जाएगा? 3 × 6 और 2 × 4, 3:2 आंसर आपका हो जाएगी। इसके बाद मान लिया, सपोज इसमें क्वेश्चन ए सी भी पूछ सकता है, तो ए सी अगर क्वेश्चन पूछता है तो ए का मान 6 है, सी का मान कितना? 3 निकाले आपने, इसको काटेंगे तो क्या होगा? 3 × 6, 2:1 आंसर हो जाएगी यहाँ पर, अगर सपोज पूछता है तो। इस तरह से आप टाइप 1 का क्वेश्चन किसी भी क्वेश्चन को रहे, इतना बराबर इतना, तो आप इसको आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। चलिए टाइप 2 का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा टाइप 2 है। कैसे किया जाएगा? जब इस तरह का सवाल हो तो इसका मान नीचे वाला हो जाता है। इसका मान क्या होता है? जब रेशियो में अनुपात में बराबर का वैल्यू होता है तो उसका मान नीचे वाला हो जाता है। तो आसानी से इसका मान निकल जाएगा 3 4 5, ये आंसर हो जाएगा। समझ में बिल्कुल आ रहा होगा। चलिए इसके बाद टाइप 3 आपका दिया गया, ए बी सी, देन ए बी सी का मान पूछ रहा है, तो इसको कैसे हम मान को निकाल सकते हैं? तो यहाँ पर क्या है, एक का मान 1/2 है, बी का मान 1/3 है, सी का मान 1/4 है। जब अनुपात क्वेश्चन बटा में दिखाई दे तो एलसीएम लेकर के उसको बराबर करते हैं, बैलेंस करते हैं। तो 2 × 3 × 4 का एलसीएम कितना आएगा? 2 × 3 × 4 का एलसीएम 12, 12 तो क्या हो जाएगा? 2 × 6 = 12, 3 × 4 = 12 तो 4, 4 × 3 = 12 तो 3, उसके बाद एलसीएम क्या होता है? हट जाता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 6 4 3 आपका यहाँ आंसर हो जाएगा, 6 4 3। इसी क्वेश्चन को, इसी क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन लेकर के चलते हैं, जैसे क्या ऐसा रहेगा, ए अनुपात बी अनुपात सी 2/3, 3/4, 2/3, 3/4, और उसके बाद क्वेश्चन रहेगा 4/2। तो इसको क्या करेंगे सर? कुछ नहीं करना आपको, यहाँ भी 2 3 4 है, एलसीएम ले लीजिए, कुछ भी अंक रह सकता है। तो 2 3 4 का आपका एलसीएम कितना हो जाएगा? 2 3 4 का एलसीएम आपका 12 हो जाएगा। 2 3 4 का एलसीएम कितना? 12। 2 3 4 का एलसीएम 12 जब हो जाएगा तो 3 × 12, 4 × 8, 4 × 8 तो 3 × 3 = 9, इसके बाद 2 × 6 = 12 तो 6 × 6 = 24, भीम का जोड़ के तरह। इसके बाद क्या होगा? एलसीएम हट जाता है, एलसीएम क्या होता है? हट जाता है। तो 8:9:24 आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। समझ में तो बिल्कुल आ रहा होगा वीडियो। चलिए इसके बाद एक टाइप 4 है, तो पहले इतना को कंसिडर कर लेते हैं। इसमें क्वेश्चन और आपको बना सकते हैं, जैसे क्वेश्चन दे सकते हैं PQR 3/2, 4/5 और एक 5/3। इस तरह से भी क्वेश्चन आप बना सकते हैं, एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेकर के उनको जोड़ की तरह बना सकते हैं। यहाँ तक समझ में आ रहा, आशा करते हैं कि आपको यह क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। इसके बाद चलते हैं, एक क्वेश्चन आपको अभी दिया गया है, इसको बना करके जरा से फाइंड आउट कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन आप लोग बना लिए होंगे, 45 24 आपका 50 आंसर आ जाएगा, 45 24 50 आंसर आ जाएगी। इसके बाद अगला टाइप 4 है, टाइप 4 में ए अनुपात बी दिया हुआ रहेगा 3:4, बी अनुपात सी दिया हुआ रहेगा 5:6, तो आपको फाइंड ऑफ वैल्यू क्या निकालना है? ए अनुपात बी अनुपात सी का मान निकालना, ए अनुपात बी अनुपात सी का मान। तो इसमें क्या करना है, यहाँ देखना आपको जो अंक मिलेगा उसको आपस में एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर देना। क्या करना है? मल्टीप्लाई कर देना। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आपको कितना से मल्टीप्लाई करना होगा? 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, और यहाँ आपको कितना से करना होगा? 4 से। एक बार फिर से समझा रहे कि क्यों 5 से 4 से गुना करें, इसलिए किया जा रहा है कि दोनों बी का मान आपस में बराबर हो जाए। ये बीच बराबर क्यों किया जा रहा है? ताकि दोनों में से कोई एक वैल्यू बराबर जब हो जाएगा तो कोई भी मान ले सकते हैं। चलिए तो 5 × 20 हो जाएगा, इसके बाद क्या होगा? 5 दिए
पंद्रह, पांच चौको बीस और छह चौको चौबीस। यहाँ से दिखाई दे रहा है कि बी का मान बीस यहाँ भी, बी का मान बीस यहाँ भी, तो इस तरह से हम इसको सरिया करके लिख सकते हैं ए बी सी का वैल्यू पंद्रह बीस चौबीस, पंद्रह अनुपात बीस अनुपात चौबीस, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन एक और लेकर चलते हैं, पी अनुपात क्यू, क्यू अनुपात आर। जैसे क्वेश्चन सबका रहेगा तीन अनुपात छह, दो अनुपात चार, दो अनुपात चार। इसमें आपको क्वेश्चन पूछ देगा पी क्यू आर का मान ज्ञात करें, तो क्या करना होगा यहाँ पर सर? यहाँ देखिए क्यू का मान क्या है, छह है, यहाँ पर क्यू का मान दो है, तो क्या कर सकते हैं, एक सिर्फ हम यहाँ तो ओनली फोर तीन से गुना करके भी तो क्यू को बैलेंस कर सकते हैं ना, या फिर इसका दो से इसमें और इसमें छह से, तो तीन दूनी छह, चार दिए बारह, तो क्या इस तरह से छह छह बैलेंस हो चुका है। तब इसको सजा करके लिख देंगे तब पी क्यू आर क्या हो जाएगा, तीन अनुपात छह अनुपात बारह, ये आपस में कट सकता है एक दो और एक चार, तीन से आपस में कट जाएगी तो एक अनुपात दो अनुपात चार आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। इसके बाद आपका टाइप फोर, टाइप फोर में क्वेश्चन आपको हम बनाने के लिए दे रहे हैं, क्वेश्चन बनाएगा जैसे रहेगा x अनुपात तो y, y अनुपात z, चार अनुपात तीन और पांच अनुपात दो। इसको आपको x y z का वैल्यू निकालना है, तो कैसे निकलेगा, x y z का जब वैल्यू निकालना हो आपको, तो आपको मान क्या होगा, यहाँ पर y का मान दिखाई दे रहा होगा कि बैलेंस नहीं है, तो y का मान जब बैलेंस नहीं है तो क्या कर सकते हैं, y का मान जब बैलेंस नहीं है तो यहाँ आपको क्या करना होगा, तीन पांच से गुना और यहाँ आपको क्या करना होगा तीन से गुना, तो गुना करें तो पांच तीन पंद्रह और चार पचे बीस हो जाएगा, यहाँ पांच तीन पंद्रह और तीन दूनी छह, इस तरह से सजा करके जब एक्स वाई जेड लिखा जाएगा तो एक्स वाई जेड क्या होगा बीस पंद्रह छह आंसर हो जाएगी आपका, बीस पंद्रह छह। आपको आशा करते उम्मीद करते हैं आप सीख रहे होंगे समझ रहे होंगे। इसके बाद आपको थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज करके देते हैं कि क्वेश्चन को कैसे बना सकते हैं पर बीस पंद्रह छह आंसर आ जाएगी। इसके बाद चलते हैं आपका थोड़ा सा क्वेश्चन को अब चेंज किया जा रहा है, चेंज क्वेश्चन को जब क्या किया जा सकता है तो समझिएगा क्वेश्चन में, अभी आपको बीच में बैलेंस करने के लिए दे रहे थे ए अनुपात सी, सी अनुपात बी अनुपात सी, दो तीन चार पांच, और क्वेश्चन पूछ देगा आपको ए अनुपात बी अनुपात सी का मान ज्ञात करें, ए अनुपात बी अनुपात सी का मान, तो यहाँ देखिए सी गड़बड़ है, यहाँ सी और सी मिल रहा है तो सी को गुना कर देंगे, तो सी का मान यहाँ पांच से गुना कर देंगे और यहाँ कितना से गुना कर देंगे तीन से गुना कर देंगे, क्योंकि सी मिला दोस्ती हुआ सी में, तो जिसका दोस्ती हुआ उसका इंटरफेयर करेंगे, उसका इसमें गुना और इसका इसमें गुना, तो पांच दिए पंद्रह और पांच दुनी दस, ये चार दिए बारह और पांच दिए पंद्रह, अब आपको दिखाई दे रहा होगा सी का मान यहाँ भी पंद्रह, सी का मान यहाँ भी पंद्रह, अब सजा करके जब लिखेंगे तो क्या आंसर आएगी दस, और बी का मान आपका क्या है बारह है और सी का मान आपका पंद्रह है, अब ये कटेगा आपस में तो नहीं कटेगी, तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, तो समझ में आ रहा होगा। चलिए आशा करते हैं टाइप फोर तक के रेशियो का अनुपात में आगे के वीडियो में और भी आपका रेशियो का अनुपात का क्वेश्चन बताया जाएगा, यहाँ तक समझ में आया, वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, सो थैंक यू। अगर इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले, लाइक्स करना ना भूले और दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, बहुत बहुत धन्यवाद, सो थैंक यू।